आज इस वीडियो में आप जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार का आहार विरुद्ध आहार होता है और इनका नियमित सेवन करने से हमें किस प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विरुद्ध आहार के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों से खास आपके लिए ढूंढकर निकाली है। हेलो हैप्पीनेस फैमिली, मैं डॉक्टर नीलांगी, आयुर्वेदाचार्य एवं मनोवैज्ञानिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, हमारे आहार में हम कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो एक साथ खाने से शरीर पर उसका बुरा असर होता है, परंतु हमें इस बात की जानकारी ही नहीं होती है। कभी कभी टेस्टी दिखने वाला खाना भी कैसे शरीर का संतुलन बिगाड़ कर शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करने में कारणीभूत होता है। आयुर्वेद शास्त्र की रचना करने वाले प्राचीन ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में इस विरुद्ध आहार के बारे में विस्तार से वर्णन दिया हुआ है, जिसे एक साथ ना खाने से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसका कारण मॉडर्न साइंस को भी पता नहीं है, परंतु आयुर्वेद इसके भी आगे की सोच रखता है। आयुर्वेद के अनुसार बीमारियों की जड़ हमारे आहार विहार और प्रज्ञापराध होते हैं। आज हम गलत आहार के बारे में रोज़मर्रा की छोटी छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जिससे हमें गंभीर बीमारियाँ होने से हम बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये विरुद्ध आहार क्या होता है और किस प्रकार का होता है। परंतु उससे पहले, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सामने दिख रहा बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको एक साथ खाना हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो अकेले तो बहुत ही गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य पदार्थों के साथ लिया जाए तो फायदेमंद होने की जगह वे हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके नियमित सेवन से कई तरह के रोग होने का खतरा रहता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के रक्त आदि धातुओं को दूषित कर शरीर में से दोषों को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में खान पान को लेकर कई नियम बताए हैं, जिसमें से विरुद्ध आहार एक प्रमुख नियम है। आइए जानते हैं विरुद्ध आहार कौन सा होता है। सबसे पहले देखते हैं दूध के साथ कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ मछलियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध एक प्रकार से शीत होता है और मछली हमारे शरीर के लिए गर्म होती है। यह दोनों परस्पर विरोधी होते हैं। दूध और मछलियों का एक साथ सेवन करने से रक्त दूषित होकर त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे शरीर पर सफ़ेद धब्बे आना, रैश आना, खुजली होना निर्माण होने लगते हैं। आयुर्वेद में वर्णित शरीर के स्रोतों के रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं और साथ में दोनों को एक साथ खाने से शरीर का कफ भी बढ़ने लगता है, जिससे पाचन संबंधी समस्या निर्माण होकर सर्दी, खांसी, एलर्जी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूध के साथ फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मिल्क शेक भी एक प्रकार का विरुद्ध आहार नहीं है। अब देखते हैं कौन से फलों के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ आम, केला, नारियल, बड़ल का फल, कटहल यानी जैक फ्रूट और कोई भी खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे फल जैसे अनार, इमली, संतरा, अनानास, इन फलों को मिक्स करके दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। खट्टे फलों को मिक्स करने से दूध फट जाता है और उसके गुणधर्म बदल कर वो एसिडिक हो जाता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं आने लगती है। और साथ में दूध के अंदर का कैल्शियम फलों के कई एंजाइम्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उनका पोषण शरीर को नहीं मिल पाता है। अगर दोनों को खाना ही है तो दोनों के बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप होना ज़रूरी होता है। दूध के साथ नमक वाली चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ नमक वाली चीज़ों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। दूध में प्रोटीन्स होते हैं। नमक मिलने से मिल्क प्रोटीन जम जाते हैं और जिससे दूध का पोषण कम हो जाता है। अगर लंबे समय तक ऐसा किया जाए तो स्किन संबंधित प्रॉब्लम, जैसे मैंने ऊपर कहा है कि त्वचा पर सफ़ेद दाग आना, खुजली होना, त्वचा पर रैशेस आना जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं। दूध के साथ मूली, लहसुन, प्याज, इन सब्जियों का भी सेवन नहीं करें। ये सब्जियां दूध के विरुद्ध गुणधर्म वाली होने के कारण इनका नियमित सेवन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपको इसे लेना ही है तो इसके बीच में भी आप कम से कम 2 घंटे का अंतर अवश्य रखें।
दूध के साथ उड़द, चना, कुलथी आदि धान्य भी नहीं खाए, इससे भी त्वचा संबंधी समस्याएं निर्माण होती है। दही को रात में ना खाए। रात को दही खाने से आयुर्वेद में वर्णन किए हुए स्रोतों के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जो अनेक रोगों के उत्पत्ति के कारण होते हैं। दही के साथ मुर्गे का मांस जैसे चिकन नहीं खाना चाहिए। दही में मैरिनेट किया हुआ चिकन भी एक प्रकार से विरुद्ध आहार ही होता है। छाछ के साथ केला नहीं खाना चाहिए। दही के साथ उड़द की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे दही वड़ा तो बहुत ही एक कॉमन सी डिश है, जो लगभग सारे घरों में बनती है, परंतु दही वड़ा एक विरुद्ध अन्न है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं निर्माण होती है और शरीर का कफ भी बढ़ जाता है। दही के साथ फलों को मिक्स करके नहीं लेना चाहिए, और मुख्यतः जो खट्टे फल होते हैं उन्हें दूध या दही के साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे फ्रूट सलाद। आयुर्वेद की दृष्टि से यह भी एक विरुद्ध अन्न ही माना गया है, जिससे पाचन शक्ति कमज़ोर होती है और एलर्जी, सर्दी, खांसी जैसे समस्याएं निर्माण होती हैं। दूध और दही को भी साथ में नहीं लेना चाहिए। दही के वजह से पिया हुआ दूध जम जाता है, जिससे पेट संबंधी समस्याएं जैसे एसिडिटी होना, गैस होना, अपचन होना या उल्टी भी हो सकती। पालक की सब्जी को तिल के साथ नहीं लेना चाहिए, जिससे भी पाचन डिस्टर्ब होकर लूज मोशन होने की संभावना रहती है। शहद को कभी भी गर्म कर नहीं लेना चाहिए, या फिर गर्म चीज़ों के साथ भी उसे नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि शहद गर्म करने पर विष के समान हो जाता है और शरीर पर बुरा असर करता है। जैसे हम देखते ही हैं, बहुत से लोग गर्म पानी के साथ शहद लेते हैं। गर्म पानी में शहद मिलाना यह भी एक प्रकार का विरुद्ध संयोग ही है। अगर आपको शहद लेना ही है तो गर्म चीज़ जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है उसके बाद आप उसमें शहद मिलाकर ले सकते हैं। शहद और घी को समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए। समान मात्रा में लेने से घी शरीर पर विष के समान प्रभाव करता है। अगर आपको घी और शहद साथ में लेना ही है तो दोनों की मात्रा कम ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे शहद की मात्रा ज़्यादा तो घी की कम, या फिर घी की मात्रा ज़्यादा तो शहद की कम। उड़द की दाल को मूली के साथ ना खाए। मांस को उड़द, दूध, अंकुरित धान्य, मूली, गुड़, इनमें से किसी के साथ भी सेवन नहीं करना चाहिए। गर्म और ठंडी चीज़ें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, जैसे खाने के बाद आइसक्रीम खाना, यह प्रचलन बहुत ही गलत है। खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खाना या फिर कोल्ड ड्रिंक लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद ठंडी चीज़ें लेने से जठराग्नि और पाचन क्रिया मंद हो जाती है, जिससे त्वचा संबंधित समस्याएं और एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती है। खाना खाने के तुरंत बाद फलों का सेवन ना करें, क्योंकि फलों का पाचन जल्दी हो जाता है, परंतु खाए हुए अन्न को पचने के लिए वक्त लगता है। अगर हम खाने के तुरंत ही फलों का सेवन करते हैं तो दोनों के मिक्स होने की वजह से पेट से आगे जाने के लिए फलों को वक्त लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें फर्मेंटेशन होकर पेट फूल। दोस्तों, आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है कि इन विरुद्ध आहार के नियमित सेवन करने से नपुंसकता, अंधापन, त्वचा संबंधित विकार, पेट फूलना, सफ़ेद दाग, एसिडिटी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र का ही प्रयोजन यही है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी निरोगी रहने के लिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना। हमारे शरीर का स्वस्थ रहना और बीमारियों से बचना हमारे ही हाथ में है। अगर आप आयुर्वेद में वर्णित इन सब विरुद्ध पदार्थों को लेने से बचते हैं तो आप खुद को विरुद्ध अन्न से होने वाले बीमारियों से भी बचा सकते हैं। घर की गृहिणी को अगर यह छोटी छोटी बातें पता है तो आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। इस छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातों को दूसरों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार। Thank you.